नमस्कार दोस्तों, YouTube के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ 5G टेक्नोलॉजी। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा 5G टेक्नोलॉजी क्या है और पढ़ा भी होगा, और 5G टेक्नोलॉजी का क्या क्या एडवांटेज है ये हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर 5G टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में अगर आ गया तो जो मशीन जो है खुद में बात करना स्टार्ट कर देगा। मशीन विल स्टार्ट टॉकिंग एमोंग ईच अदर। कोई भी प्रॉब्लम है तो मशीन खुद से बात करना स्टार्ट करेगा और दे विल गिव यू द सिग्नल। और आप हॉस्पिटल में अगर भर्ती होते हैं, एडमिट होते हैं, तो मशीन जो है खुद से आपका पल्स रेट रीड करेगा। मशीन आपका खुद से आपका आपका जो आपका कोलेस्ट्रॉल रीड करेगा, और सेंसर जिससे लगा हो और खुद से आपका इलाज स्टार्ट कर देगा। दोस्तों फिर हम देखते हैं कैसे ये प्रोसीड होता है, 5G टेक्नोलॉजी का क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या बेनिफिट है। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि 5G टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में आने वाला है और कुछ कंपनीज उसको लॉन्च कर रही हैं। दोस्तों एक तो है, अगर 5G टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में आ जाए तो हमारा इंटरनेट पे का जो स्पीड हो जाए है जो है 20 टाइम्स मच फास्टर हो जाएगा। आप दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारा जो लाइफ जो है कितना सिंपल हो जाएगा। दोस्तों क्या क्या एडवांटेज है 5G टेक्नोलॉजी का वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर 5G टेक्नोलॉजी अगर इंडिया में अगर आ गया पूरी तरह तो इंडिया में एक नया डिजिटल क्रांति, डिजिटल रेवोल्यूशन होने जा रहा है। कैसे डिजिटल रेवोल्यूशन होने जा रहा है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर 5G टेक्नोलॉजी अगर आ गया तो डैट वी हम लोग जो है क्लाउड कंप्यूटिंग जो पे हमारा जो काम है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारा काम बेहतर हो जाएगा। मशीन लर्निंग पे काम स्टार्ट दोस्तों बेहतर हो जाएगा। मशीन लर्निंग दोस्तों ये है कि मशीन जैसे कि आज के दिन में दोस्तों मोस्टली जो ओला का जो प्लांट लगा है आप लोगों ने सुना होगा जो स्कूटी मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें मोर देन 5000 जो बस रोबोट काम कर रहे हैं। तो सपोज कि रोबोट अगर काम कर रहा है तो हमारा जो प्रोडक्शन होगा काफ़ी हेवी, काफ़ी मात्रा, काफ़ी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा। और क्योंकि अगर मानव जो है ह्यूमन अगर काम करता है तो 12 घंटा 16 घंटा ही काम कर सकता है, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर रोबोट अगर काम करता है किसी भी इंडस्ट्री में तो 24/7 मतलब फैक्ट्री जो है 24 घंटा बिना रुके हुए काम करेगी। तो इससे जो हमारा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या आपका स्कूटी हो, कार हो, उसमें इंडियन कंपनी है जो कि रोबोट काफ़ी कंपनी है जो इंडिया में जाके 90% बस रोबोट पे ही प्रोडक्शन हो रहा है, बस ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होने के कारण जो है उसका टूटने फूटने का एरर की भी पॉसिबिलिटी कम रहेगी। तो ये हमारा एडवांटेज, अगर लार्ज अगर हमारा 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो अभी जो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे भी काफ़ी बेहतर मात्रा में और अच्छे लार्ज स्केल अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ है, अगर दूसरा एडवांटेज दोस्तों ये है कि अगर जैसे आप लोग सुन लें कि ड्राइवर लेस कार आने वाला है और जैसे कुछ यूरोपियन कंट्रीज में आ भी गया है, जैसे अगर अगर 5G टेक्नोलॉजी अगर पूरी तरह अगर आ जाए तो हमें कार जो है बस ऑटोमेटिकली बस उस गूगल के नेविगेशन जो है मैप्स पे सेट कर दे और खुद से जहाँ कार में बैठ जाए और आपको दिल्ली से आपको गुड़गांव पहुँचाना है, कार खुद से पहुँचा देगी, उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होने वाला है। दोस्तों आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये आप लोगों ने सुना होगा कि मेट्रो जो है बिना ड्राइवर के चलने वाली है। अगर 5G टेक्नोलॉजी आ गया तो सारा कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा, बिना ड्राइवर के सारा मेट्रो रन करेगी एक जगह से दूसरे जगह। दोस्तों कई जगह 5G टेक्नोलॉजी आ भी गया है जैसे यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में। अगर 5G टेक्नोलॉजी का दोस्तों एक एडवांटेज है कि हमारा जो जो अगर मान लो कि कोई चोर है या कोई चोरी करके जा रहा है और हर एक जगह वहाँ पर CCTV कैमरा लगा है तो हमें फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हमारे पास में आ जाए, जिससे अगर कोई भी चोर है अगर हम फेस उसका हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और मान लें कि अगर वो चोरी करके दिल्ली से चोरी करके वो पंजाब निकल गया वो, तो पंजाब में वो पे पंजाब में वहाँ पे CCTV कैमरा, पंजाब की CCTV कैमरा फेस को रिकॉग्नाइज कर लेगी, उसको आइडेंटिफाई कर लेगी और वहाँ पे वो बंदा पकड़ा जाएगा। तो दोस्तों ये एडवांटेज है।
अगर सही से 5G टेक्नोलॉजी आ जाए तो जो जितना भी रोड पे जो चलान कटता है तो सारा CCTV कैमरा ही चलान ऑटोमेटिकली चलान कटेगा और घर पे चलान पहुंच जाएगा और एक्सीडेंट होने का जो चांसेस जो है कम कम रहेगा दोस्तों। ये सब एडवांटेज दोस्तों। और उसके बाद हम लोग सेंसर जो है सेंसर को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं 5G टेक्नोलॉजी आ जाए तो। दोस्तों अगर 5G टेक्नोलॉजी का सही से अगर आ जाए तो अगर जहाँ पे अगर कोई लैपटॉप है या कोई कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सेंसर लगा है और सेंसर में अगर जैसे ही वो हीट को वो डिटेक्ट कर लेगी और ये सेंट्रल टीम को पहुँचेगी या मोबाइल पे जो आदमी उसका सुपरवाइजर है उसके पास में आ जाएगा तो इससे वो इंडस्ट्री में बड़ा हादसा जो है इंसिडेंट होने पर ट्रैजिक इंसिडेंट होने में उसके हम रुकावट हो सकते हैं दोस्तों। ये फायदा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन खुद से वो एक आदमी की तरह काम कर रहा है, रोबोट की तरह काम कर रहा है जो सेंस कर रहा है। जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ। आप खुद से आप यूट्यूब में आप डालिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो यूट्यूब को पता हो जाएगा कि ये बंदा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर्च कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। आपके पास खुद से एडवर्टीजमेंट आने लगेगा, यूट्यूब में आने लगेगा और इससे आपका जो मार्केटिंग और कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग की जरूरत है तो वहां से आप एक्सेस मशीन लर्निंग खुद से मशीन अपने आप में वो अंडरस्टैंड करने लगा थिंग को। और आप मशीन लर्निंग को आप दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अमेजन का वॉच है, एप्पल एप्पल का वॉच आज के दिन में मार्केट में आया और अमेजन का आया। वो क्या है, अगर हाथ में अगर पहनते हैं तो खुद से आपका पल्स रेट वो आइडेंटिफाई कर लेगी, खुद से आपका शुगर लेवल को आइडेंटिफाई कर सकता है, बीपी लेवल को आइडेंटिफाई कर सकता है और वो आपको सचेत कर देगा कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है, आपका ब्रेन स्ट्रोक लगवा की अटैक आने वाला है। तो आप खुद से अपने आप को सचेत। ये दोस्तों एक एक इंसिडेंट है, एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि एक IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनका जो बेटा है USA में रहता था, वो अपने फादर को एप्पल का वॉच दे रखा था तो उसको फादर को उसके खुद से उसके कंप्यूटर पे बीप या मोबाइल पे उसको नोटिफिकेशन आ गया कि फादर को हार्ट अटैक आने वाला है और वहाँ से भी सचेत होकर के उन्होंने एडमिट कराया, अमेरिका से ही एडमिट कराया और उनके एक हार्ट अटैक से अपने फादर को बचा लिया बस ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपके मोबाइल में और एप्पल का उन्होंने जो मोबाइल उन्होंने वो जो यूज कर रहे हैं दोस्तों। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का ये कि मशीन जो खुद से आइडेंटिफाई कर लेगी, खुद से अपना अपना दिमाग काम करके वो चीज़ों को समझ रही है और सचेत कर रही है लोगों को दोस्तों। ये एडवांटेज है आपका 5G का। और दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर 5G टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत कॉस्टली अगर आ जाए तो बहुत कॉस्टली नहीं होने वाला है दोस्तों। इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी पे एयरटेल, जियो और वोडाफोन ऑलरेडी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है काम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और जल्दी ही हमारे पास में जैसे 4G हम लोग का अनुभव कर रहे हैं उसी तरह 5G का भी हम लोग अनुभव करने जा रहे हैं दोस्तों। 5G टेक्नोलॉजी का यूज करना काफ़ी कॉस्टली तो नहीं है और एक हाई स्पीड होने का कारण ये है कि जो 5G में हम जो यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में जो हम यूज करते हैं वो है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का, जिसमें इंटरफेरेंस बाई मॉड्यूलर डिजिटल सिग्नलिंग का कम होता है जिसके कारण भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है। और ऑलरेडी इंडियन कंपनी जो है नोकिया, सीमेंस, USA जो कंपनीज है फॉरन कंपनीज के साथ इन्होंने टाइम क्वालकॉम दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी जो है ये इसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, इन पर काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। मीन्स ये जो ट्रांसमिशन मीन्स हजारों टावर की जरूरत होगी, थाउजेंड्स ऑफ एंटीना की जरूरत होगी तो थोड़ा सा कॉस्टली होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। अगर थोड़ा कॉल रेट भी थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए और डिजिटल रेगुलेशन चाहिए तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और बिना कोई प्राइस पे किए हुए फ्री में तो कोई फैसिलिटी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों हम धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी है वो 5G टेक्नोलॉजी की ओर हम बढ़ रहे हैं। जैसे हम 1G से लेकर के हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया 5G की ओर आए, 4G की ओर आए, इसी तरह हम लोग 5G भी जल्दी हम लोग यूज करने जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा सा आपको मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, थोड़ा अतीत में चलते हैं। और दोस्तों सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वर्ल्ड में वो 1G टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ,
ये जापानी कंपनी है, निपोन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन नामक कंपनी है। उन्होंने 1G टेक्नोलॉजी को 1979 में स्टार्ट किया और ये 1983 में यूएसए में आ गया। फिर दोस्तों ये 2G टेक्नोलॉजी आ गया जो कि कमर्शियली 1991 में लॉन्च हुआ और जो कि फर्स्ट कमर्शियल डिजिटल सेलुलर नेटवर्क है। फिर दोस्तों हम आए 3G टेक्नोलॉजी की ओर। 2001 में 3G टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ, इंडिया में भी लॉन्च हुआ और हम लोगों ने इंटरनेट पे हल्का हल्का हम लोगों ने स्टडी करना, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया छोटे छोटे। उस समय तो कोई वीडियो ये सब फैसिलिटी नहीं था कि हम देख सकें, बहुत हल्का हल्का इंटरनेट ये सब आ रहा था और उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था। फिर दोस्तों आ गया 4G टेक्नोलॉजी। 4G टेक्नोलॉजी जो हमारे काम करने के तरीका को पूरी तरह ही चेंज कर दिया। मतलब कि पहले जो काम जो लैपटॉप पे हो रहा था वो सारा काम आज के दिन में मोबाइल पे हो रहा है। वीडियो स्ट्रीमिंग, यूट्यूब जो आप देख रहे हैं सब कुछ मोबाइल पे, वो भी उसी की देन है। और आप देख सकते हैं कि जो भी व्हाट्सअप हो गया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो पहले था लैपटॉप पे हो रहा था जो वो आज के दिन में 4G टेक्नोलॉजी के कारण मोबाइल में हो रहा है। सारा टीवी से लेकर के हर एक चीज़ आप मोबाइल पे यूज कर रहे हैं और इसका ये परिणाम रहा कि आज के दिन में हर एक सिटी में साइबर कैफे ही बंद हो गया। साइबर कैफे हो जाएंगे तो कहीं मिल ही नहीं, फॉर्म भरने से लेकर हर एक काम जो आज के दिन में मोबाइल में हो रहा है जो कि लैपटॉप पे पहले हो रहा था, कंप्यूटर पे हो रहा है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। और दोस्तों हम लोग 5G टेक्नोलॉजी को जा रहे हैं और तुरंत ही हमें 5G टेक्नोलॉजी को हम एहसास करने जा रहे हैं और फील करने जा रहे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट यूट्यूब में नए टॉपिक के साथ में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।